हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल द फोकस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, वो भी ऐसी खुशखबरी जिसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रही होगी आप लोगों की। कौन सी खुशखबरी है ये? और ये उन उम्मीदवारों के लिए है जो सिविल सर्विसेज में जाने का सपना तो देखते हैं पर साकार नहीं हो पाता है कुछ कारणों की वजह से, और खास कारण होता है इंटरव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, प्री की तैयारी करके क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में जाते जाते पता नहीं क्या हो जाता है कि इंटरव्यू बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। कि मतलब हर साल लोग एग्ज़ाम देते हैं, प्री क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, पर इंटरव्यू में हर साल बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें हताशा मिलता है और कुछ नहीं होता है, यानी उनका फिर कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, हार मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन अब ऐसे ही एक न्यूज़ बना हुआ है इस समय चर्चा में कि अब अगर आप इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं तो आपको अदर गवर्नमेंट जॉब्स में डाल दिया जाएगा। फ्रेंड्स जी हाँ फ्रेंड्स, अब इंटरव्यू फेल होने के बाद भी आपकी नौकरी मिलेगी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के तहत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ इसका क्या है, तो आपको विश्वास हो जाएगा फ्रेंड्स। ये उनके लिए एकदम चमत्कार होगा कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और वो बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाते होंगे, इस बार भी इंटरव्यू में पास होने कम चांसेस होंगे उनके लिए। तो उनके लिए एक चमत्कार से कुछ नहीं है, एक वरदान है ये। तो फ्रेंड्स, आज अब न्यूज़ पे आते हैं, क्या है न्यूज़ ये देख लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, moneybhaskar.com, ये मनी भास्कर का न्यूज़ है। मैं कई न्यूज़ आपको दिखाऊंगा, तो moneybhaskar.com का आप न्यूज़ देख लीजिए पहले। यहाँ क्या लिखा है, IAS के इंटरव्यू में फेल युवाओं को मिलेगी दूसरी सरकारी नौकरी, ये है नई योजना। हर साल 11 लाख युवा करते हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन। तो इसका अपडेट कब का है, 9 फरवरी का है, दोपहर 1:40, यानी आज का है फ्रेंड्स। ये न्यूज़ हमको बहुत पहले मिल गया था, पर थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल होने के कारण आप लोग को न्यूज़ नहीं दे पा रहा था। ये न्यूज़ हमको परसों मिल गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। नई दिल्ली, कठिन परिश्रम और सालों की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में चूकने वालों के लिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने नई योजना बनाई है। इसके तहत आयोग ने केंद्र सरकार और उसके मंत्रालयों से सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में फेल होने वाले आवेदकों को भर्ती करने की सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों को मानती है तो बड़ी संख्या में युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है, कम होगा युवाओं का तनाव। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ओडिशा में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोग के 23वें सम्मेलन में UPSC के चेयरमैन अरविंद सक्सेना ने कहा कि हमने केंद्र सरकार और मंत्रालयों से सिफारिश की है कि वे सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में फेल होने के कारण अंतिम लिस्ट में जगह न पाने वाले उम्मीदवारों की भर्ती करें। उन्होंने कहा कि हर साल करीब 11 लाख उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, विभिन्न चरणों की प्रक्रिया के बाद केवल 600 उम्मीदवारों का चयन हो पाता है। यदि सरकार इस मुश्किल चयन प्रक्रिया का सामना करने वाले उम्मीदवारों में से दूसरे मंत्रालयों विभागों में भर्ती पर विचार करती है तो इससे युवाओं का तनाव कम होगा। इसके आगे देखते हैं क्या है, आवेदन वापस ले सकेंगे युवा। अरविंद सक्सेना ने कहा कि UPSC परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इस नंबर की मदद से आवेदक अपना आवेदन वापस ले सकेंगे। आवेदन वापस लेने से UPSC को परीक्षा केंद्र और पेपर पर होने वाले खर्च में बचत होगी। अरविंद सक्सेना ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए UPSC ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने पर भी विचार कर रहा है। फ्रेंड्स, अब ऑनलाइन भी हो सकता है ये एग्ज़ाम, इस पर भी ध्यान दें आप लोग। आगे, NTPC ने निकाली नौकरी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम लिस्ट में जगह नहीं बना पाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए 2018 विज्ञापन जारी किया है। यानी ये शुरू कर दिया अभी से प्रोसेस कि मतलब जो लोग इस बार इंटरव्यू अगर फेल हो जाते हैं तो उन्हें NTPC में नौकरी मिल जाएगी। इस समय सिविल सर्विस परीक्षा 2018 के इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में इस परीक्षा का परिणाम जारी होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए क्या हो रहा है। अब मैं आपको अदर न्यूज़ भी दिखाता हूँ। हाउ UPSC प्रपोजल टू इंडक्ट IAS कैंडिडेट्स फॉर अदर सेंट्रल जॉब्स कुड बेनिफिट थाउजेंड्स, ये 8 घंटे पहले का न्यूज है। न्यू दिल्ली, देयर माइट बी गुड न्यूज़ इन स्टोर फॉर एग्जामिनीज हु ट्राई फॉर ईयर्स बट फेल टू क्रैक द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर सिविल सर्विसेज सच एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड इंडियन फॉरन सर्विस IFS। तो फ्रेंड्स, ये उनके लिए मतलब कि ये बहुत बड़ा वरदान होगा कि जो बार बार एग्जाम देते हैं, प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, पर इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। द UPSC हैज़ रिकमेंडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई बियॉन्ड द इंटरव्यू स्टेज ऑफ द एक्सरसाइज शुड बी रिक्रूटेड इन टू द गवर्नमेंट इन अदर पोस्ट। यानी जो लोग फेल हो जाएंगे उनके लिए ये रिकमेंड कर रहा है UPSC कि अदर पोस्ट उन्हें मिल जाए। वी हैव प्रपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु मेक इट टू द इंटरव्यू स्टेज इन सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम्स। मैं उनके लिए मतलब ये प्रपोजल रखा गया है कि जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच जाते हैं बट फेल टू गेट पिक्ड, यानी फेल हो जाते हैं। UPSC चेयरपर्सन अरविंद सक्सेना सेट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द
21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन इन भोपाल, इन भोपाल में बात कहे हैं अरविंद सक्सेना जी। ऑन एवरेज अबाउट 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम एवरी ईयर, अबाउट 10,000 to 12,000 मेक इट पास द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वाइल अराउंड 3,000 मेक इट पास द मेन्स एग्जामिनेशन टू द इंटरव्यू स्टेज। यानी क्या होता है कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 10-11 लाख, अब बैठते कितने 4-5 लाख बैठते हैं मैक्सिमम, और उसमें क्या होता है फिर 3 लाख जो होते हैं उसमें क्या 10-12 हज़ार जो होते हैं फिर वो प्री क्लियर करते हैं, जो मेंस तक पहुंचते हैं, फिर मेंस में कितने लोग क्लियर कर लेते हैं 3,000 क्लियर कर लेते हैं जो इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू के बाद क्या केवल 600 बचते हैं। तो ये बहुत प्रेशर होता है फ्रेंड्स इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करना। सिंस दोज हु मेक इट टू द इंटरव्यू स्टेज हैव ऑलरेडी गोन थ्रू द ग्रीन ऑफ टू स्टेज ऑफ एग्जाम एलिमिनेशन, दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विसेज सक्सेनेड। तो मतलब जो लोग मतलब 2 स्टेज क्लियर करके इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उनके लिए अदर डिपार्टमेंट में जॉब्स मिल जाएगा। इफ़ अप्रूव द मूव वुड गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस अमंग दोज ट्राइंग टू एंटर द सिविल सर्विसेज विच ऑफर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड कॉपरेटेड गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। ये अगर ये मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा मतलब फ़ायदेमंद हो जाएगा, एक वरदान हो जाएगा युवाओं के लिए जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स अब एक और देखते हैं जो बहुत पहले का न्यूज आ चुका है, मैं नहीं दे पाया था, यहाँ पे एक रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा ऑफिशियली। सुन IAS एस्पिरेंट्स नॉट एबल टू क्लियर इंटरव्यू स्टेज कुड गेट अदर सेंट्रल जॉब्स, UPSC रिकमेंड्स प्रपोजल। तो देखिए कब का है, 7 फरवरी का है फ्रेंड्स, यानी परसों। मैं परसों से परेशान था आप लोगों को न्यूज़ देने के लिए, पर थोड़ा सा मैं अवेलेबल नहीं था, थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल में था तो इसलिए मैं आपको न्यूज़ नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसको आगे पढ़ते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC हैज़ रिकमेंडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स मिनिस्ट्रीज टू रिक्रूट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु रीच द इंटरव्यू स्टेज ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स बट फेल टू क्लियर इट, रिपोर्ट्स द इंडियन एक्सप्रेस। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, आप लोग कहेंगे वीडियो कितना लंबा बना रहा है अपने लाइक के लिए शेयर के लिए, तो मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट्स दिखाता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस का, क्या मतलब रिपोर्ट है डायरेक्टली मैं वही दिखाऊंगा आप लोग को। तो फ्रेंड्स द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट ओपन हो गया है, इसे देखते हैं डिटेल में क्या है ये। UPSC सजेस्ट वन एग्जाम मैनी पोस्ट, यानी ये कह रहा है इसका हेडिंग कि UPSC जो है एक एग्जाम से मैनी पोस्ट देना चाहता है, बहुत ज़्यादा पोस्ट देना चाहता है। अराउंड 11 लाख यंगस्टर्स अप्लाई फॉर द सिविल सर्विसेज एवरी ईयर, हाफ ऑफ होम अपीयर फॉर द प्रिलिमिनरीज। कह रहा है कि 11 लाख लोग हमेशा अप्लाई करते हैं लगभग हर साल, लेकिन उसमें से आधे ही जो प्रिलिम्स के लिए बैठते हैं एग्जाम में। ये कब का है, 6 फरवरी का, सुबह 5:15 का है। तो 6 फरवरी से न्यूज़ आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे, भुवनेश्वर का न्यूज़ है बाई एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस। इन अ मेजर स्टेप दैट कुड ओपन अप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC हैज़ रिकमेंडेड द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज टू रिक्रूट कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम्स हु डू नॉट मेक पास द इंटरव्यू स्टेज। यानी कि रिकमेंड कर रहा है जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं उनके लिए मतलब ये प्रपोजल रखा जा रहा है। वी हैव प्रपोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु मेक इट टू द इंटरव्यू स्टेज इन सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम बट फेल टू गेट पिक्ड अप, सीड UPSC चेयरमैन अरविंद सक्सेना ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हियर। तो फ्रेंड्स बार बार इस न्यूज़ में रिपीट नहीं करूँगा, बस हमको एक ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाना जो आपको दिखा दिया हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियली बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूले ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।